फारूक साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा, केवल जम्मू कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। जो झोजिला टनल बन रही है, मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपका कश्मीर ने जन्नत है, कितना सुंदर है। और कारगिल के नीचे पहाड़ी पर ऊपर बाबा अमरनाथ का वो दिखता था और वहां से मैं टनल का निरीक्षण कर रहा था, और पूरा लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर आने तक कितनी कठिनाइयां थी। अब वो झेड़मोर भी टनल पूरी हो रही है। झोजिला टनल में इस समय 1000 लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं -8 डिग्री में, और 2026 का काम पूरा होने की डेट थी। मैंने उनको कहा कि 24 के पहले पूरा करो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। लद्दाख और लेह में आने के पहले अगर हम शिमला से हम लोग अगर मनाली तक जाते हैं, तो मनाली में हमारी टनल बनी है अटल टनल। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। और वहां से अटल टनल से निकलने के बाद हिमालय के ऊपर से वही इतना सुंदर है, जो तो मैं अपने आंखों में पूरी तरह समा नहीं सका कि पूरे वहां 4 टनल बना रहे हम लद्दाख लेह पर आने के लिए। रोड बना रहे पूरा, काफी बना है। और लद्दाख लेह से डायरेक्ट कारगिल, कारगिल से झेड़मोर, और झेड़मोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम लोग बड़ा हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5 टनल बना रही है। काफी कुछ काम पूरा हुआ है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही सम्मान्य अध्यक्ष महोदय कि वहीं ये जब टनल हमारी यहां से श्रीनगर से हम जम्मू की तरफ जाएंगे, तो उसके बीच में कटरा के पहले हम जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है, अब कश्मीर के भी काम अवार्ड हो गए हैं, और वहां से लेकर हम कटरा से पूरा श्रीनगर से वापस हम अमृतसर के द्वारा दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई को हाईवे को लग जाएंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख और लेह से हम लोग श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर से डायरेक्ट वहां से निकलकर हम मुंबई चले जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर